कल से तो पेपर है आपका ना। हाँ कल पेपर है। हाँ तैयारी हो गई है सब? मैम सारी तैयारी हो गई। यस मैम सारी तैयारी हो गई। सही, क्योंकि इस बार टेंथ है, ये सोच कर भी पेपर देना ठीक है, जितना हो सके नकल करने से बचना ठीक है। घर पर वो पता तो है लेकिन नकल मत करना ठीक। हाँ मैं अपने से पहले देखेंगे, पहले अपने से कर लेंगे, फिर जो गलती होगी वो गलती होगी तब तुम करेंगे। सही करोगे देख कर। वाह चलो अच्छा, ये तो पता है ना तुम लोग को कि जो आपका पेपर है उसमें कृतिका में फर्स्ट चैप्टर, सतेज और काव्य में, काव्यखंड और गद्यखंड में दो दो चैप्टर आएगा, ये पता यस है। मैम। हाँ तो हाँ मैं तो बता ही चुकी हूँ। और जो हिंदी व्याकरण है आपका उसमें तीन चैप्टर आएगा ठीक है, भाषा ना को मैं भेजा था बोली ना, क्या। अच्छा वो जो आने वाले थे इस साल। अरे तो वो तो बोर्ड के हिसाब से है ना अच्छा ठीक है, पेपर के हिसाब से अभी। पेपर के हिसाब से हम तुमको बता रहे हैं। अभी तो जो बोर्ड वाला जो तुम भेजे हो वो तैयारी अभी बाद में होगी ठीक है। तो यस मैम आपका इसमें आ जाएगा भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण विचार, संधि, ये सब तो पढ़े हो, शब्द विचार, वाक्य विचार हाँ मैं ठीक है, ये सब तो ये रखा सब है मेरे पास। जानते हो। एक चीज हम बता, और ये पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन भी पता है, इसमें कोई बताने वाली चीज तो है नहीं ठीक। अपठित जो आपठित गद्यांश है इसमें ये पढ़े हो, आपठित गद्यांश में क्या होता है, आपठित गद्यांश आपका कहानी का रूप होता है ठीक है। दो चीज इसमें होती है, क्या दो चीज यस मैम। इसमें, आपठित गद्यांश और एक होता है आपका आपठित पद्यांश ठीक, दो चीज होता है। ये जो होता है गद्यांश वो कहानी की तरह होता है, कहानी का रूप होता है, और ये जो होता है वो कविता का होता है ठीक है। ये जो होता है कविता का रूप होता है और ये जो होता है वो कहानी का रूप होता है, क्लियर है दो चीजें। आप देखो कहानी जो आपठित गद्यांश है वो आपका श्रेष्ठ, समझ में आ रहा है बात। यस मैम जो आपका आपठित गद्यांश होगा वो कहानी का रूप होगा, जो आप पहले से पढ़े नहीं रहते हो ठीक है। कुछ कहानी यस क्या होती है, मैम आप पढ़े रहते हो, आपको समझ में आता ना ये कहानी है, हमने पढ़ा, उसके बाद प्रश्न उत्तर पूछा, हमने आंसर लिखा। लेकिन जो आपका गद्यांश होता है आपठित, आपठित का मतलब होता है पहले से पढ़ा ना गया ठीक है, और आपका गद्यांश एक कहानी की तरह होता है, 10 से 15 लाइन का होता है, आपको दिया रहता है, आप उसको पढ़ते हो, पढ़कर यस जो मैम। इम्पोर्टेंट लगता है कि आपको हाँ ये सही लाइन है, तो आप उसको क्या करते हो, अंडरलाइन कर देते हो, और उसके बाद आपका जो प्रश्न पूछा उसका आप आंसर लिखते हो ठीक है, आप उसका आंसर लिखते हो। आपठित जो गद्यांश होता है वो थोड़ा इजी होता है, इजी होता है ना, कि आपने कहानी पढ़ा, आपने उससे आंसर लिखा यस ठीक मैम। है। जो पद्यांश होता है वो कविता होता है, पंक्ति उसमें पूछी जाती है, तो कभी कभी क्या होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है। क्या कंफ्यूजन करता है, जैसे उसमें आपसे पूछ लेता है कि कवि क्या कहना चाह रहा है, आपके सामने तो कविता की पंक्ति लिखी गई है लेकिन कवि क्या कहना चाह रहा है इसको आपको अपने से लिखना रहता है, होता है कि नहीं, हाँ मैं जैसे कभी होता अपने शब्दों में कविता का नाम बनाइए और है। हाँ जो वो कहना चाह शब्द रहे हैं उसमें। कविता का क्या आशय है, अर्थ स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछता है कि नहीं, ऐसे ही प्रश्न पूछता है यही, या फिर कोई एक पंक्ति दे दी, मतलब कोई एक लाइन दे दी जाती है, उससे कहा जाता है इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसे हम आपठित पद्यांश कहते हैं। जो कविता का रूप होता है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसका आंसर देते हैं। ये दो चीज है आपकी ठीक, यस ये मैम। समझ गए दोनों चीज, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। गद्यांश में देखो बेनीपुरी का है, एक अमीर खुसरू वाला है ना, आपकी बुक में देखा होगा आपने। यस कोई कंफ्यूजन इसमें, आपका पहला है क्या मैम। अमीर खुसरू है, दूसरा है बेनीपुरी ठीक है, दूसरा आपका क्या है बेनीपुरी आराम परीक्ष बेनपुरी का जी, है, उसके बाद ये तो हर साल आता है। लोकोक्तियां है, हाँ लोकोक्तियां है,
दिल्ली है, दिल्ली की शुरुआती, फिर जगजीत सिंह का है, ठीक है, फिर आपका प्रैक्टिस सेट है, इसको एक एक जब आप फ्री रहा करो तो एक एक प्रैक्टिस सेट जो है उसको सॉल्व किया करो, ठीक है, देखा करो कौन सा है उसको सॉल्व करो। फिर है पद्यांश, जैसे हम एक पद्यांश को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, क्या लिखा जा रहा है कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है, मिला ये वाला बताओ। यस मैम, यस मैम। फिर है प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बदले बल से सदा हारती वहां मनुष्य के उद्यम से श्रम बल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा, करते निर्दयामी प्राणी, धोते वीर को अंक भाग के बहाद रोगों से पानी, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का। अब इसमें क्या पूछ रहा है, आपने पढ़ा इस पंक्ति को, यहाँ पे बात की जा रही है कि ब्रह्मा है वो भाग्य का अभिलेख पढ़ने को कह रहे हैं, जो हमारा भाग्य है और जो हमारी प्रकृति है वो किसी से डरती नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, प्रकृति मनुष्य किस कारण हारती है, तो किस कारण से हारती है, जो प्रकृति है हमारी वो मनुष्य से उसके उद्यम और श्रम बल के कारण हारती है। हमारी प्रकृति जो है वो हम पर क्या करती है, अपना दबाव डालती है, लेकिन वो एक समय बाद हारती भी है, जब हम मेहनत करते हैं, ठीक है, हम जब श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, उससे क्या करते हैं, तो तब हमारी जो प्रकृति है वो हारती है, ठीक है। सेकंड है, अब देखो जैसे प्रकृति का क्या है, नियम है, प्रकृति अपना नियम खुद बनाती, अब बाढ़ आता है, ठीक है, बाढ़ आता है कि नहीं, फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ भी वायु प्रदूषण होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेड़ पौधे लगाने लगते हैं, लगाते हैं कि नहीं, ये कौन कर रहा है, ये मानव कर रहा है ना, जब मानव पेड़ पौधे लगा रहा है तो क्या कर रहा है, तो वायु प्रदूषण की कम जो है वो कम हो रहा है, तो प्रकृति वहां पर हार रही है कि नहीं, ठीक, तो यही चीज इसमें कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मनुष्य ने सुख कैसे पाया, जो मानव है वो सुख कैसे पाता है, तो किस कारण से पाता है, अपने भुजबल और परिश्रम से सुख पाता है, जो उनका भुजबल है जिससे वो कार्य करता है और अपने परिश्रम से पाता है सुख। थर्ड क्वेश्चन, श्रेष्ठ मिल रहा है, समझ में आ रहा है, बताओ श्रेष्ठ बोलो तभी आगे बढ़ेंगे ना। यस मैम, आ रहा है। कहाँ चले गए? नहीं मैम, पानी। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो भाग्य का लेख लोग किस प्रकार मिटाते हैं, जो भाग्य का लेख है लोग किस प्रकार से मिटाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भाग्य का लेख लोग अपने पुरुषार्थ, मेहनत अर्थात उद्यम और किससे, परिश्रम से मिटाते हैं। जो आपका क्या है, आपका भाग्य का लेख जो आपके भाग्य में लिखा है, अगर मान लो किसी के भाग्य में लिखा है कि ये असफल होगा, ठीक, लेकिन आप उसको कैसे मिटाओगे, आप क्या करोगे, मेहनत करोगे, कड़ी से कड़ी मेहनत करने लगोगे, आप कहोगे कि नहीं हमें असफल नहीं होना है, हमें सफलता ही प्राप्त करनी है। तो लोग जो भाग्य है जो लिखा रहता है, जैसे किसके भाग में है कि कम जीना, ठीक है, जैसे है मान लो मेरे भाग में कम जीना है, तो हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, हम अपने कर्म को सही रखेंगे, तभी तो हमारा भाग्य बदलेगा ना, तो हमारा, या फिर हम ऐसे लोग के संपर्क में आएंगे कि उसकी लाइफ में क्या रहेगा कि हमारा भाग्य जुड़ा रहेगा, उसकी लाइफ में हम उसका जिंदगी भर मेरा साथ रहेगा, तो हमारा भाग्य उस टाइम बदल जाएगा, ठीक, समझ रहे हो ना इस बात को, प्लीज। यस मैम,
तो भाग्य का लेख लोग किस प्रकार मिटाते, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भाग्य का लेख लोग अपने मेहनत अर्थात उद्यम और परिश्रम से मिटाते हैं, वो अपने परिश्रम और मेहनत से मिटाते हैं। फिलहाल मैम, ये मेहनत के क्या पहले का मतलब क्या होगा? चीज मैम ये जो लिखा पुरुषार्थ हो, मतलब कि का मतलब क्या होगा? तो इसका ये मतलब होता है जो आपका कर्म है, ठीक है। आपका कर्म क्या है? लोगों की सेवा करना, ठीक, उनको कभी दुखी नहीं करना, समझ रहे हो। यस मैम। लास्ट है आपका, पाप का आवरण एवं शोषण का शस्त्र किसे कहा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा भागवत को पाप का आवरण तथा तो शोषण का शस्त्र कहा गया है। यहाँ तक क्लियर है कि नो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? देखो नो आपके जो चीजें हैं, आपके क्या क्या आएगा, आप में आपके उसमें आ जाएगा आपठित गद्यांश आएगा, आपठित पद्यांश आएगा, दो चीज है ये, दोनों चीज आएगा। फिर आपका आएगा उसमें क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, उसके बाद पत्र लेखन, ठीक है। देख लो क्या क्या आ सकता है, जैसे आपका हो गया व्याकरण की बात कर रहे हैं, ये दोनों हो गया, ठीक। फिर आपका वन यस टू मैम। थर्ड तक आएगा चैप्टर, आपका आ जाएगा इसमें विलोम, आया बाची, आवाज ठीक। और क्या सकता है, पत्र लेखन, ये सब तो पढ़े हो। यस मैम, पत्र लेखन, अनुच्छेद फिर लेखन। आपका क्या आएगा, अनुच्छेद भी हो सकता है जय, शायद निबंध हो सकता है, ठीक, संवाद हो सकता है, डायलॉग इतनी चीजें हो सकता आए आपके पेपर में, ठीक है। तो आप इतनी तैयारी करोगे किसमें, सब व्याकरण में करोगे, हिंदी व्याकरण में, ठीक है। इसमें आप अपनी तैयारी रखोगे, पद्यांश भी आ सकता है, पद्यांश भी, ठीक है, सब इसी में आएगा, ये सब क्या है, इसी का है। और हाँ एक चीज और, रस यस अलंकार, ये तो मेन है, ठीक है, पढ़े मैम। हो इसको, कुछ बताना है इसमें तो बताइए, बताओ मैम रस रस अलंकार। अलंकार अच्छा चलो हम रिवाइज करा दे रहे तुम्हारा, मैम, जैसे अलंकार जो हम लोग आभूषण पहनते हैं तो वो हो सकता होता है। जैसे हम आभूषण पहनते हैं, हम अपने को सजाते हैं किसके लिए, सुंदर दिखने के लिए ना, अपने हम अपनी चीजों को सजा रहे हैं तो सुंदर दिखने के लिए, यही हमारा क्या होता है, ये हमारा सौंदर्य को क्या बताता है, अलंकार सौंदर्य दिखाता है। यही अब हम जो लिख रहे हैं उसके सौंदर्य सुंदर बनाने के लिए, उसके सजावट करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, अलंकारों का, ठीक है। अलंकार यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि मानव समाज सौंदर्य उपासक है, मानव जो है वो समाज का क्या है, सुंदर उपासक है, उसके इसी विचार ने अलंकारों को जन्म दिया, जो हमारा विचार था तभी से हमारा क्या, किसका जन्म हुआ, अलंकार का जन्म हुआ। जिस प्रकार शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के आभूषण, यही बताए थे, आभूषण पहनता, अपने को तैयार करता, अपने को सजाता है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते, कुछ तत्वों का प्रयोग करते, जिन्हें हम अलंकार कहते हैं। मतलब को क्या, हम भाषा को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, सुंदर बनाने के लिए कुछ तत्वों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कुछ तत्वों का प्रयोग करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम अलंकार कहते हैं।
ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। भाषा को सुंदर बनाने के लिए कुछ तत्वों का प्रयोग करते हैं, इसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक, उसके बाद है अलंकार का क्या अर्थ होता है, आभूषण या श्रृंगार। जैसे हम अपने को तैयार करते हैं, क्या पहन के, गहना पहन के तैयार होते हैं, कहीं बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है, तो आभूषण या श्रृंगार हमारा है। ठीक है, उसी प्रकार काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं, या शब्द में भी हो सकता और अर्थ में भी, दो दो पढ़ते ना अलंकार के भेद, शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार दो अलग अलग है, दोनों का अर्थ तो जानते हो कि, बताओ श्रेष्ठ क्या है दोनों का अर्थ, बताए थे एक बार, बताओ श्रेष्ठ शब्द अलंकार क्या होता है। हाँ, देखो अर्थ अलंकार में और शब्द अलंकार में क्या अंतर है, शब्द अलंकार में होता है जो आपके शब्दों में अलंकार प्रयोग किया हो, ठीक है, और अर्थ अलंकार में जिस चीज का अर्थ निकल रहा हो उसमें आपका क्या हो, अलंकार प्रयुक्त हुआ। ठीक, दोनों का अंतर समझ में आया श्रेष्ठ। सुनाई दे रहा है कि नहीं श्रेष्ठ, यहाँ पे क्या बताया गया है कि काव्य को जिन तत्वों से सजाया जाता है, ठीक है, जो हमारा काव्य होता है उसे जिन तत्वों से सजाया जाता है वही हमारा क्या, और जो या फिर अलंकृत करता है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। श्रेष्ठ आवाज आ रही है, ठीक, उसके बाद है जिस प्रकार, सेकंड क्या है, आभूषण धारण करने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, जब हम क्या करते हैं अपने को सजा लेते तैयार कर लेते तो हमारा क्या होता है, एक रूप अलग हो जाता है। अगर हमें ऐसे सिंपल आए आपके सामने तो वो अलग रूप है, अगर हम थोड़ा सा तैयार होकर श्रृंगार करके आते तो उसका रूप अलग होता है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जब स्त्री श्रृंगार करती है तो उसका रूप बदल जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से उसकी बिल्कुल सुंदरता में चमत्कार आ जाता है। क्या हुआ फेस, तो यही बताया जा रहा है कि जब हम काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं तो सुंदरता उत्पन्न होती है। बोलो क्या हुआ, नो मैम, नो मैम वॉइस अटक गई थी ना, आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैं आपको बता नहीं पा ठीक रहा था। है, यहाँ पे समझ में आ रहा ना, यहाँ पे यही बताया गया। फिर जैसे हमारा साधारण वाक्य क्या होता है कि सूर्य पुत्री यमुना के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष हैं, जो क्या बताया जा रहा है कि सूर्य पुत्री यमुना के तट पर, जो सूर्य की पुत्री यमुना है उसके तट पर क्या है, तमाल के बहुत से वृक्ष हैं। तो इसका अगर हम अलंकार में थोड़ा सा प्रयोग करते हैं, अलंकार युक्त वाक्य बनाते तो क्या हो जाता है, तरणी तनुजा तट तमाल सरोवर बहुत छाए। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुरपुत्री के यमुना के तट पर बहुत से वृक्ष हैं। ठीक है, यही चीज बताई जा रही है। ठीक है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह दिन में तीन बेर खाती है खाती और अब तीन बेर खाती है। दो है प्रकार के होते हैं अलंकार, ये बता ही चुके हैं, आपका शब्द अलंकार होता है और एक होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में आपके तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, आपके वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है, आपके वर्णों की आवृत्ति होती है। यमक में आपके शब्दों की आवृत्ति होती है, ठीक है, दो दो शब्द आते हैं, दो या दो से अधिक शब्द। और श्लेष अलंकार में क्या होता है कि आप एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अनुप्रास में क्या होता है श्रेष्ठ, बोलो ना, क्या अनुप्रास में होता है। हाँ मैम जो व्यंजन होते हैं वो एक कर्म से बार बार हो। गलत, वर्ण होते हैं, ठीक है, व्यंजन नहीं होते हैं, वर्णों की आवृत्ति होती है।
आपके अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है, और आपके यमक अलंकार में आपके शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, ठीक है। और श्रेष्ठ क्या होता है कि एक शब्द का आपके कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा, जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, आप व्यंजन नहीं बोल सकते हो केवल, ठीक है, आपके व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, तरनी तनुजा, मतलब ता ता वर्ण आ रहा है कि नहीं, तरनी तनुजा तट समाग करुवर बहु छाय, यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यही हमारा अनुप्रास कहलाता है, ठीक। मैं किसी भी वर्ण की बार बार आना उसको अनुप्रास कहते हैं सिंपल वर्ड में। हाँ, जैसे आपका वर्ण क्या होता है बताओ। यस मैम, आपका वर्ण क्या होता है, वर्ण? हाँ बताओ मैम। हम लोग का जैसे कि आता हो गया, कागा हो गया, गा हो गया, हो गया, ठीक है। तो इसकी आवृत्ति आपकी क्या होगी, दो से तीन या चार बार भी हो सकती है, ठीक है। तो जब ये इसकी आवृत्ति हो रही होगी इसकी, तब क्या होगा, ये अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। तब क्या होगा यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार जब वर्णों की आवृत्ति होती है। यमक क्या होगा, जब आपके शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, जैसे होता है काली, घटाका, घमंड, घटा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार आया, दो बार शब्द आया, काली, घटाका, घमंड, घटा। हाँ, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा मैम। अलग अलग कैसे होगा मैम, दो अर्थ होंगे। एक क्या होगा घटा का अर्थ, बादल, ठीक, और एक घटा का मतलब कम, समझ रहे हो। यस मैम, समझ में आया कि नहीं। कम होगा और एक का अर्थ होगा बादल। हाँ, तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे एक लाइन में लिखकर बता दे रहे हैं, जैसा हमने लिखा काली, घटा का, घमंड, घटा, ठीक है। फिर ये दो बार आया है शब्द, दो बार आवृत्ति, लेकिन अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे अर्थ क्या है, अलग अलग है। मैम यमक अलंकार में दो से अधिक वर्ण आते हैं, पर उनका जो अर्थ होता है, जो वर्ड मीनिंग होती है, अलग अलग होती है। जो शब्द होता है उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनुप्रास में होगा उसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही होगी। यहाँ तक क्लियर है, दो चीज क्लियर था। श्लेष अलंकार क्या होता है, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अलग नहीं होंगे, वहां पर एक शब्द का कई अर्थ होगा। जैसे है सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, यहाँ पे क्या है, जो सुबरन है उसका क्या अर्थ निकल रहा है, उसे कौन कौन ढूंढ रहा है, कवि भी ढूंढ रहा है, व्यभिचारी भी ढूंढ रहा है, और कौन ढूंढ रहा है, चोर भी, तीनों लोग उसे ढूंढ रहे हैं, ठीक। तो ये क्लियर हुआ आपको, तीनों मतलब इस अनुप्रास में एक ही वर्णों की आवृत्ति होगी बार बार, यमक में आपके शब्दों की आवृत्ति होगी लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होंगे, या ये कह सकते हो विभिन्न विभिन्न होते हैं। लास्ट है आपका अर्थालंकार, इसको पढ़ लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछ लीजिएगा, ठीक। रस में नौ रस है आपको पता है, ठीक है, आपका श्रृंगार रस है, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, ठीक है, भयानक, फिर क्या है, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछ लेना, ठीक। श्रेष्ठ और कुछ पूछना है आपको? नो मैम, ठीक, कुछ नहीं पूछना है, कोई दिक्कत हो तो डिस्कस
मैम पढ़ लेंगे, जो डिस्कस करेंगे वो गोपिका से पूछ लेंगे। हाँ पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। चाहे क्षेत्र कृतिका में एक चैप्टर आएगा, बाकी हाँ लेखक और कवि परिचय दोनों पढ़िएगा, ठीक है। दोनों में यस से मैम, कोई भी आएगा उसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन सर या फिर हो सकता है आप हटित गद्यांश पद्यांश आ जाए, रस अलंकार विलोम ये सब आना ही आना है, ठीक है। 40 नंबर का पेपर रहेगा, अच्छे से कीजिएगा उसको, ठीक। चलिए टेन ऑफ टॉप टेन थैंक लाएंगे यू, जितने नंबर का पेपर होगा। थैंक यू क्लास।